हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानश्री क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 रिसर्च एंड एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो गाइस, ये एक पूरा डिटेल में हम पार्ट ए एजुकेशनल रिसर्च को ख़त्म करेंगे। ये पेपर वन के लिए भी बेनिफिशियल है एंड पेपर टू के लिए भी। सो पार्ट ए जो है वो मीनिंग एंड स्कोप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च का डेफिनेशन क्या है। तो जब हम डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी करते हैं किसी भी बारे में, अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी अबाउट आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, किसी भी विषय में या अनुसंधान या शोध कार्य के ज्ञान में वृद्धि के लिए एक सुविचारित और विस्तृत अध्ययन को हम रिसर्च कहते हैं। एजुकेशनल रिसर्च, जब हम एजुकेशन की समस्याओं को सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट करके और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको हम एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। शैक्षिक अनुसंधान, संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण को संदर्भित करता है। रिसर्च के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो मेन, यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे स्टेप होते हैं पर मेन जो स्टेप्स हैं वो 7 स्टेप हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिव्यू लिटरेचर करते हैं, समस्या को क्लैरिफाई करते हैं, फिर कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, और डेटा कलेक्ट करके, डेटा एनालिसिस करके एंड में हम यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट को तैयार कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिसर्च के बेसिक स्टेप्स हैं। गाइज, अब हम बात करते हैं जनरल मीनिंग क्या है रिसर्च का। तो री प्लस सर्च, यानी कि जब हम किसी चीज को रिसर्च में बात करेंगे तो री यानी कि दोबारा और सर्च का मतलब खोजना। तो क्या खोजना है यहाँ पर, दोबारा से खोजना है किसी भी चीज को, अगर दोबारा से अगर प्रूव करना है या कोई भी चीज दोबारा से सर्च करनी है तब हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च के मीनिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन टू अ स्टडी ऑफ material and sources in order to establish fact and research new conclusion. Research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena. तो ये एक definition हो गया research का। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च इज अ न्यूट्रल, सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट यूज प्रीवियसली डिस्कवर्ड फैक्ट टू एडवांस नॉलेज एंड डज नॉट एग्जिट इन द लिटरेचर। तो वैज्ञानिक अनुसंधान एक तटस्थ, व्यवस्थित, नियोजित और बहुचरणी प्रक्रिया है जो पहले से खोजे गए तथ्यों का उपयोग ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए करती है। इसको हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये कंट्रोल्ड होती है और ये सिस्टमेटिक होती है। इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, देन हम समस्या को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके हम इम्प्लीकेशन पे आएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे और सबसे एंड में हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देंगे। वैज्ञानिक पद्धति की अगर विशेषताओं की बात करें तो उसकी चार करेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत मेन है। पहला है यहाँ पर रेप्लिकेबिलिटी, परसियंस एंड फॉल्सिफिबिलिटी एंड पार्सिमोनी, यानी कि इसका हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकरणीयता, इसको बोलते हैं परिशुद्धता, इसको बोलते हैं मिथ्यापनीयता एंड इसको बोलते हैं मितव्ययता। तो ये इनकी डेफिनेशन है कि जब हम किसी चीज़ को कॉपी करें या रिपीट करें तो उसका जो परिणाम है वो हर बार एक जैसा आना चाहिए, तो इसको रेप्लिकेबिलिटी बोलते हैं। जब परिशुद्धता का मतलब है एक्यूरेसी, यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। या फॉल्सिबिलिटी का मतलब है कि इसको मैंने और ज्यादा नीचे डिफाइन कर दिया है ताकि आपको और समझ में आ जाए कि इसको हम टेस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। कोई भी रिसर्च का एक बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम इसको प्रूव कर सकें, ठीक है। और परसिमोनियस का मतलब है कि बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, यानी कि जो आसान हो, सिंपल तरीके से की जा सके, उसको हम परसिमोनी या मितव्ययता बोलते हैं। बात करते हैं गाइस कि साइंटिफिक मेथड के कितने टाइप होते हैं। तो ये इसके तीन टाइप हैं, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक और वर्णात्मक। तो एक्सप्लोर जब करते हैं तब हम किसी भी ऐसी समस्या को लेते हैं जिसको पहले से डेप्थ में गहराई से स्टडी नहीं किया गया है। तो इस तरह से नए डेटा के लिए जब किसी चीज को हमें पड़ताल करनी है, एक्सप्लोर करना है, तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है।
और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब वहां पे जब हम यह पता लगाने जाना चाहते हैं कि कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है, तो क्यों और कैसे का जवाब ढूंढने के लिए, हाउ और वाई का जवाब ढूंढने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जहां पे हम एक जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और क्या, कब और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया जाता है, इसको हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से क्या, कब, कैसे, किसमें क्यों है, किसमें क्या है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम एम की बात करें तो इसके तीन मुख्य एम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थ्योरी को बनाना और प्रेडिक्शन करना, यानी कि समस्या का समाधान, सिद्धांतों का निर्माण और भविष्यवाणी करना ही साइंटिफिक एम है, साइंटिफिक रिसर्च का एम है। टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो तीन मेन रिसर्च होती हैं, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्यों की जाती है, जब हमें कोई नई नॉलेज लेनी होती है नेचुरल फिनोमिना में, इसे बेसिक रिसर्च कहते हैं, प्योर रिसर्च कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी इसे कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान की समझ को पैदा करने के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च, जब हमें कोई व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है तो साइंटिफिक स्टडी जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च, जिसमें हम एक एक्शन लेते हैं इमीडिएटली, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, जिसमें हम टिपिकली तरीके से किसी भी समय में इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। किसी भी समस्या पे डेटा कलेक्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो क्लासरूम की सिचुएशन, जो क्लासरूम में जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक्शन रिसर्च ज्यादा की जाती है। इसकी साइकिल को आप डिटेल में देख लीजिएगा कि प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई, इन्फॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें हम इवेलुएटिंग करते हैं। प्लानिंग को होता है योजना बनाना, एक्टिंग का मतलब है क्रिया करना, ऑब्जर्व का मतलब है निरीक्षण करना और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिंदी में विमर्श करना। अब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या डिफरेंस है, क्या होती है, इनको समझते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लेन करती है जब हम डेटा को न्यूमेरिकल तरीके से कलेक्ट करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम क्वालिटेटिव तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं और मानव का जो व्यवहार है उसके बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा का अगर देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा है, वहाँ पे अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम समरी बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन आता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव कंक्लूजन आता है। ये सर्वे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होती है, उसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे इंटरव्यू और फोकस ग्रुप का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर डाटा को संचित डाटा बोलते हैं, संरचित, और इसको बोलते हैं असंरचित, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है अनस्ट्रक्चर, उसका कोई भी प्रॉपर ढांचा नहीं है। स्टैटिकल एनालिसिस सांख्यिकी तरीके से विश्लेषण करना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष, और सब्जेक्टिव कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ कंक्लूजन। टाइप की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, सर्वे होता है, प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा का यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू और फोकस ग्रुप का यूज किया जाता है। फोकस ग्रुप का मतलब है कि वो समूह जिसके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वांटिफाई करते हैं, वैलिडेटेड करते हैं और डिसीजंस को लेने में मदद करती है। एजुकेशन रिसर्च डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन रिसर्च डिजाइन का मतलब है कि एजुकेशन के फील्ड में काम करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी समस्याएं हैं उन पे बात करने के लिए हम यहाँ पर एक डिजाइन तैयार करते हैं, तो उसको हम एजुकेशन रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। ये तीन तरह की है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव जिसको हम वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ऐसी डिजाइन है जो हमें क्यों का उत्तर नहीं देती है, बल्कि कब, कहां और कैसे
इनका उत्तर देने में मदद करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, लिटरेचर को साहित्य की समीक्षा करते हैं, फिर किस इंस्ट्रूमेंट का चयन करते हैं, जैसे इंटरव्यू करेंगे या फिर आप सर्वे करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा उपकरण आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो उस टूल का आप चयन करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट बना के कंक्लूजन बना देंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जहाँ पे हम डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बेसिकली बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्शन करते हैं और उसके सबसे अंत में हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इसमें ये 4 तरह की होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये प्री एक्सपेरिमेंटल होती है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती है, ये स्टैटिकल होती है और ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है, तो ये वन शॉर्ट स्टडी प्री एक्सपेरिमेंटल का वन शॉर्ट स्टडी होती है, यहाँ पे एक ही शॉट में स्टडी की जाती है, एक ही ग्रुप पे होती है और यहाँ पे स्टैटिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये प्री टेस्ट और प्रोटेस्ट पे होती है। ये प्री टेस्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पर जो स्टैटिकल है यहाँ पर हम स्टैटिक तरीके से करते हैं और क्वासी एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे हम रेंडम तरीके से करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इनको करने के अलग अलग डिजाइंस होती हैं, तो इनको थोड़ा आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्री ट्रू और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ये आपका पार्ट डी में अगेन आएगा टॉपिक, तो हम इसको डिटेल में वहां पे पार्ट डी के लिए मैं इसको छोड़ दिया है कि वहां पे ये रिसर्च डिजाइन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में हम बेसिकली जो मेन काम है कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो जो भी पास्ट इवेंट है यानी कि वर्तमान में हम जहाँ जी रहे हैं और पिछली जो भी घटना हुई है, जो भी पास्ट इवेंट है, उनके महत्व को दिखाने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च को करते हैं। तो ऐतिहासिक जो शोध है उसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति में पिछली घटनाओं के महत्व को दिखाना है। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप हाइपोथीसिस, प्रेडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट ऑफ प्रेडिक्शन एंड इंडक्शन, तो ये इसका साइकिल है, इसके द्वारा हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये डिटेल स्टडी था आपका पार्ट ए का, ये मैंने रिवीजन कराया है जिससे आपकी अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको कम पता है या नहीं पता है तो आप उसको अपनी बुक से और डिटेल में पढ़ लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।